चाइल्ड लाइन एवं बाल कल्याण समिति ने मानव तस्करी विरोधी यूनिट के सहयोग से बाल श्रम करते हुए 8 नाबालिग बालक बालिकाओं को मुक्त कराया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रवण सिंगल और चाइल्ड लाइन समन्वयक सतीश चौधरी ने जानकारी दी कि सूचना के आधार पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान मानव तस्करी यूनिट के CI सागरमल भी मौजूद रहे। MI स्थित फूड पार्क में एपिगो एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में बाल श्रमिकों के काम किए जाने की सूचना पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने छापा मारा था। इस दौरान 8 नाबालिग बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इन्हें रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन कार्यालय में लाया गया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ बाल श्रम और JJ एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने आज संयुक्त रूप से MIA उद्योग नगर में एक एग्रो फूड पार्क में एक प्लांट है जिसमें कि फ्रूटे के नाम से शीतल पेय बनता है। इस फैक्ट्री के बारे में पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि इस फैक्ट्री में अनलीगल रूप से बाल श्रमिकों को बाहर से बुलाया हुआ है और उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। सूचना के उपरांत आज AHTU और चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पर पहुँची। टीम ने मौके पर पाया कि वहाँ पर 8 बालक जिनमें 5 बालक और 3 बालिकाएँ बाल श्रम का कार्य कर रहे थे, जो कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें होती हैं उन पर बॉटलिंग पैकिंग और ये जो बनता है उसके प्लांट्स में कामकाज कर रहे थे। वहाँ से सभी बालकों को मुक्त करवा कर आज अलवर लाया गया है और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। अग्रिम कार्रवाई के रूप में पुलिस थाना उद्योग नगर में फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और प्लांट हेड और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया है और बाल कल्याण समिति के अग्रिम दिशा निर्देश के अनुसार सभी बच्चों को अब यहाँ बालक और बालिका गृह में आश्रय दिलवाया जाएगा। फैक्ट्री वाले हैं उनसे क्या कार्रवाई की जाएगी? फैक्ट्री वालों के खिलाफ में मानव तस्कर विरोधी यूनिट के जो इंचार्ज हैं CI साहब, उनकी तरफ से लिखित में एक FIR दी गई है जिसमें JJ एक्ट और IPC के जो विभिन्न प्रोविजंस हैं उन सेक्शन में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और उसके तहत जो भी कानून कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम आपका? मैं सतीश चौधरी, समन्वयक चाइल्ड लाइन अलवर। ये सूचना के आधार पर मानव तस्करी यूनिट, चाइल्ड लाइन एवं बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एपिक फूड लिमिटेड कंपनी में हमने छापा मारा तो वहाँ 8 बालक बालिका हैं जो नाबालिग थे, बाल श्रम करते पाए गए, उनको हमने रेस्क्यू किया है और आगे की कार्रवाई, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। जो फैक्ट्रियाँ वाले ऐसे करते हैं इनसे क्या कार्रवाई की जाएगी सरकार? इन लोगों के खिलाफ बाल श्रम और JJ एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर? श्रवण सिंगल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अलवर। ये हुई है MI एरिया में APQ फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वहाँ ये फ्रूटी की पैकेजिंग वगैरह, बॉटलिंग वगैरह करते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीनें वहाँ यूज़ की जाती हैं जो कि पूरे हजारडेस रहती है और बच्चों के लिए वहाँ काम कराना सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है। वहाँ से हमने 5 लड़के और 3 लड़कियाँ नाबालिग हैं उनको दस्तियाब किया और CWC ने सपोर्ट कर दिया और कल इनका, आज तो प्राइमरी अस्पताल था, कल मेडिकल करवाएंगे। उम्र संबंधी फैक्ट्री पर ऐसी क्या कार्रवाई की जाएगी? फैक्ट्रियों पर यही है, उनको चेक करेंगे भाई जहाँ नाबालिग से काम करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और पहले मैसेज भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं भाई इस तरह के बच्चों का भविष्य खराब मत करो अपने अपने स्वार्थ के लिए। क्या नाम है आपका? सागरमल है, CI हूँ मैं और AHTU का इंचार्ज हूँ।